Hi guys, first of all of you, happy Raksha Bandhan. देखिए सुंदर सुंदर राखियाँ. Hi guys, welcome back my channel रक्षा बंधन की. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. तो आज की वीडियो स्टार्ट मैं करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ कुछ जो कि काफ़ी पॉपुलर वीडियो है. तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ. तो ये है व्हाट इज़ इन माय बैग. तो आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या है. तो मैं काम पे के आती हूँ और उस बैग में मैं क्या क्या रखती हूँ, क्या मेरा सामान मुझे चाहिए होता है, जो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. क्योंकि जो हमारे काम वाले बैग होते हैं, जो ये वर्क पे जाना वो अलग होते हैं, जो पार्टी वाले होते हैं वो अलग होते हैं. ये तो आप सब लेडीज़ को पता ही है. तो ये मेरा वर्क का जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा वो वाला ये बैग है. तो मैं अब दिखाऊँगी मैं क्या क्या ढेर सारा सामान कैरी करती हूँ. चलो स्टार्ट कर. तो गाइस टन टन दिखाती हूँ. ये है मेरा बैग बड़ा सारा. लुक एट इट, सो बिग गाइस. देखिए ये सारे जो भी आपके ड्रेस है उसके साथ चल जाता है. जो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, तो एक जो पॉकेट जहाँ है, ओप्स, तो एक पीछे और ऐसे स्ट्रिप्स बने हैं. बड़ी वाली भी है, जो बेल्ट आती है वो मैंने नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे ऐसे ही पकड़ना अच्छा लगता है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनमें मैंने क्या क्या रखा है इस पटारे में. तो सबसे पहले गाइस आज की जो बात है, जो कि COVID-19 में हमें बहुत ज़रूरी है, मैं उससे शुरू करूंगी. तो वो है सैनिटाइज. तो आज ये ज़रूर अपने पर्स में रखें. तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. कहीं जाते हैं तो अगर आप, वैसे तो अपने हाथ वॉश करने की ज़रूरत है करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं जैसे मैं काम पे हूँ या कभी है, तो थोड़े आप सैनिटाइज जरूर करें अपने हैंड थोड़ी थोड़ी देर में. तो दूसरी बात हमारे पास ज़रूरी है वो भी आजकल, वो है मास्क. गाइज मैं अपनी गाड़ी में, अपने काम पे, अपने पर्स में ये मास्क जरूर कैरी करती हूँ और जब किसी को ज़रूरत हो उसको भी दे देती हूँ. तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है आपके बैग में आजकल की सिचुएशन में होना. इसके बिना तो अब जीना भी मुश्किल हो गया है गाइज, आप लोगों को पता ही है. तो ये मस्ट हैव है आपके बैग में. अब सैनिटाइज एंड मास्क दोनों चीज़ें ज़रूरी हो, पैसे हो चाहे ना. तो उसके बाद गाइज मैं आ जाती हूँ अपने, ये वॉलेट है तो इसमें मैं अपनी थोड़ी बहुत ही मनी कार्ड वगैरह आईडी वगैरह रखती हूँ. तो इसलिए मैं इसे सेपरेट रखती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो फिर मनी निकालनी, डॉलर वगैरह जो भी है निकालने आसान हो जाए. तो उसके बाद गाइस मैं एक डायरी ज़रूर रखती हूँ. देखिए कितनी कलरफुल है, कितनी बढ़िया है पेन. तो ये सब कई बार मुझे आईडिया आते हैं कि मैंने कैसी वीडियो बनानी है, क्या बनाऊँ, तो थोड़े आइडिया मेरे दिमाग में आ जाए तो मैं इस डायरी में ज़रूर लिख लेती हूँ. तो इसके बाद गाइस आ जाएं आप, ये मेरी एचपी स्टिक, ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ड्राई वेदर बहुत है, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर लेते हैं अपने लिप्स को थोड़ा हाइड्रेट करने के लिए. तो नेक्स्ट बहुत सामान है गाइस, मैं तो इतने पटारे में बहुत कुछ रखती हूँ, अभी तो निकाला था. तो एक ये मैं रखती हूँ मॉइस्चराइज़र, जैसे कई बार हाथ वगैरह ड्राई हो जाते हैं तो आप कभी भी इसे अपना थोड़ा, जैसे आजकल के वेदर में समर में. नेक्स्ट है चार्जर, जो कि ये भी मस्ट हैव है, ये हम कैसे भूल सकते हैं. एक मैं ये रखती हूँ, एक गाड़ी में लगाने के लिए जो, तो ये भी हमारे हर एक की बैग में होते ही है, मेरे में नहीं हर एक में है. तो नेक्स्ट गाइस मैं
माउथ फ्रेशनर के लिए रखती हूँ, कुछ भी गम हो, अभी ये मेरी बड़े वाली है, कई बार छोटे पाउच हों जो भी मुझे मिले और होंगे तो ज़रूर रख रही हूँ थोड़ा माउथ को फ्रेश करने के लिए। तो उसके बाद कोर्स ये गॉगल्स, शेड्स, गर्मी बहुत है तो गाड़ी वगैरह चलाने के लिए तो ये होने जरूरी है गाइस। या देखिए गाइस ग्लो लग रहा तो ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, वो तो होते ही है सबके लिए, बट जो मेरे भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो होते ही होंगे सबकी, लेकिन आज मैं आप नहीं दिखा रही। तो उसके बाद गाइस आपको जो चीज़ मिलेगी ना वो है ढेर सारे नैपकिन, टिश्यू पेपर, पेपर जो भी आप बोलना चाहते हैं वो मैं ज़रूर रखती हूँ गाइस। तो उसके बाद में कुछ का अगर भूख वगैरह लगे, थोड़ी बहुत कहीं गए हैं बाहर या बच्चों को या मुझे, तो ऐसे मैं कुछ खाने की चीज़ें भी रख लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए और थोड़े से जो मैं बर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं कभी काम में आ जाएं तो। तो कुछ आपको ये पैकेट मिलेंगे लेमन टी के, लेमन एंड जिंजर के, तो कभी कभी मैं काम पे मेरा मन करे तो मैं चाय पीनी हो तो बना लेती हूँ, जो ग्रीन टी, तो लेमन टी, ग्रीन टी, जो भी अब हर्बल टी बहुत लिखा है, तो ये भी है मेरे बैग में। तो अब आ जाएं ये फर्स्ट वाली, उसमें गाइस मेरा मिरर देखो कितना अच्छा है, तो आप अपना टचअप कर सकते हैं इस मिरर से। तो आपको एक छोटा सा मौजी मिलेगा, इसमें मैं मोस्टली अपनी चेंज रखती हूँ ज़्यादा, तो अब मेरे रखने वाली थी, अब सामान तो सारा निकाला है, क्यों ना रख लूँ, जैसे सारी चेंज इसमें आ जाएगी। नीचे गिर गई तो मैं इसमें पे गई, कई बार बहुत चेंज होती है, मिल जाती है यहाँ पे, तो फिर वो ऐसे ढूंढना आसान हो जाता है, तो मैं इस अपनी छोटी सी क्यूट सी मौजी में रखती हूँ। तो उसके बाद जो गाइस मेरे पास है ये कैलकुलेटर, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है तो कैलकुलेटर से काम चला देती हूँ। तो एक खंगी, देखो कितना कुछ निकल रखा। तो फिर और जो हॉल्स होते हैं आपको कफ वगैरह के लिए, तो एक पेन, दांतों में कुछ फंस जाए तो कुछ निकालने को भी रखती हूँ, और ये मेरी सबसे फेवरेट सफोरा की मेटल पिस्टिक है गाइस, बहुत ही बढ़िया है, तो मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ, तो ये है इसमें। तो ऑलमोस्ट डन, तो आपको ढेर सारी रसीदें भी मिलेगी मेरे पास में, ये तो आज बहाने से साफ भी हो गया गाइस। तो एक्स्ट्रा गम्स, कभी कभी मेरे बच्चों को लॉलीपॉप वगैरह देना होता है तो फिर मैं वो भी रख लेती हूँ उनको मनाने के लिए, बेटे के लिए। तो एक रबर बैंड, तो ये सारी जहाँ कई बारी जो आपको पेन किलर, पेन वगैरह की दवाई लेनी हो, सिर दर्द हो तो ले सकते हैं गाइस। देखा कितना सारा सामान था मेरी इतने पटारे में, अभी तो मैंने बहुत ही खाली किया है क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी बैग है इसमें क्या अपने पत्थर डाले हुए हैं, उठाने को इतना हैवी होता है जब आप टांग के शॉपिंग करते हो। तो गाइस आपको होप करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप नेक्स्ट वीडियो में, सल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।